إياك نعبد وإياك نستعين. सबसे पहले मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जिस तरह मेरी कॉल पे हर पाकिस्तान के कोने से आज यहां आए, मेरा दिल से मैं आपकी अप्रिसिएशन और शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी टीम जो ऊपर बैठी है, मेंबर्स पार्लियामेंट, मैं आज इस स्टेज से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुझे पता है कि जिस तरह की आपको लालच दी गई, पैसे ऑफर किए आपको, जिस तरह हर किस्म की आपके जमीर को खरीदने की कोशिश की गई, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि माशाल्लाह आपने मुझे खुश किया। मुझे फख्र है आपके ऊपर। खामोशी, क्योंकि मैंने आज आपसे बड़ी अहम बातें करनी है। इतना कई लोग दूर दूर से मेरे पास आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आप बड़ी खामोशी से मुझे सुने, क्योंकि मैंने अपनी दिल की आपसे बातें करनी है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अजीम बाशऊर पाकिस्तानियों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आज आपको अमर बिन मारूफ हरी आवाज, मैंने अमर बिन मारूफ पे आपको जो दावत दी, उसका क्या मतलब था कि पाकिस्तानियों ये याद रखें कि हमारा मुल्क एक नजरिए के तहत बना था, और वो नजरिया जो पाकिस्तान का था वो एक इस्लामी फलाई रियासत थी, जो कि मदीना के असूलों के ऊपर खड़ा करना था हमने। तो मेरे से लोग पूछते हैं, इमरान खान तुम दीन की इतनी बातें क्यों करते हो? मेरे से लोग पूछते हैं कि आप दीन को सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो मैं आज आपको सबके सामने पहले ये जो मेरे दिल की बात है वो ये कि आज से 25 साल पहले जब मैंने अपनी जमात बनाई थी, तो मैं सिर्फ इसलिए सियासत में आया था कि हम नजरिया पाकिस्तान अच्छा। मुझे आप पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि आपको आवाज आ रही है।
सबको आवाज आ रही है? उधर नहीं आ रही? अच्छा एक मिनट, जिनको आवाज नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करें। फैसल ये चेक करो इसका क्या मसला है, वहां नहीं आ रही आवाज उनको। स्पीकर से लोग उतर जाए, आपसे गुजारिश है कि स्पीकर जो लगे हुए हैं उनसे आप उतर जाए ताकि आपको आवाज सही जाए। अच्छा आप चेक करो आवाज आ रही है आपको नहीं? जिधर आवाज नहीं आ रही उधर हाथ खड़ा करके बताएं, उधर नहीं आ रही। अच्छा मेरी बात सुने, मसला यह हुआ है कि इतना बड़ा जलसा हो गया कि सारे जो हमने इंतजाम किए हुए थे ना वो लाइटें जल रही और ना आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर आपको सब्र करना पड़ेगा, ये ठीक कर रहे हैं सिस्टम के आपको आवाज आए। लेकिन अब थोड़ी खामोशी से सुने मेरी बात, जिनको आवाज आ रही है वो सुने। देखें मेरे पाकिस्तानियों, जब मैंने सियासत शुरू की तो मेरा एक मकसद था कि मेरा मुल्क जिस नजरिए के तहत बना था, आ गई आवाज, हाथ खड़ा करके बताएं आवाज आ गई है? नहीं तो तुमने इतनी मेरी अहम तकरीर आज मिस कर दे रही थी। अच्छा सुने, मैंने बड़ी बातें आपसे करनी है और आखिर में जो मैं बात करूंगा वो सबसे अहम है। शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की थी कि एक बाहर से मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो चीज आपने समझनी है कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं खड़े होंगे पाकिस्तान कौम नहीं बनेंगे, हमें लोगों का हजूम होगा। कौम नजरिए पे बनती है और वो नजरिया क्या था, पाकिस्तान का नजरिया क्या है? कितने लोगों को पता है कि ये किस नजरिए के तहत बनी थी? मैं आपके सामने आज ये वाजे करता हूं कि मुझे भी बड़ी देर तक पाकिस्तान का नजरिया नहीं पता था। मुझे पता कैसे चला, 18 साल की उम्र में बाहर गया, यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ी, फिर मैं क्रिकेट खेलता था, आधा साल दुनिया में बाहर फिरता था, तो मैं जो पाकिस्तान के नजरिए पे आया हूं, मेरे पाकिस्तानियों अपने जाती तजर्बे के ऊपर, और वो क्या था, जैसे जैसे मुझे दीन की समझ आनी शुरू हुई तो मुझे एक चीज मेरे जहन पे आई कि जो अल्लाह मुसलमानों को कहता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना नजार बनाया था वो पाकिस्तान में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो मगरबी दुनिया में मुझे नजर आ रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मोहम्मद अब्दू जो 100 साल से पहले यूरोप गए तो उन्होंने एक जुमला कहा, नौजवानों उन्होंने जुमला ये कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और वापस जब वो मिस्र गया तो कहता
या मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम नहीं नजर आ रहा। तो मैंने अपने तजर्बे से जो मैंने मगरबी माशरे को समझा तो मुझे पहली दफा समझ आया कि फलाई रियासत क्या होती है। पाकिस्तान में तो कोई फलाई रियासत नहीं थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने समझा कि फलाई रियासत क्या है। बरतानिया में एक आम आदमी के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज, उसके बच्चे के लिए मुफ्त तालीम। वो बेरोजगार होता था तो हुकूमत पैसे देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। वो अदालत में जाता था तो हुकूमत उसको वकील करके देती थी। ये पहली दफा हमने देखा। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई थी, जिधर पहली दफा रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने बेवों की, यतीमों की, गरीबों की, बूढ़ों की, मजदूरों की। ये पहली दफा मुसलमानों की रियासत में ये चीज आई थी। तो ये तो मैंने यूरोप में देखी, स्कैंडिनेविया में देखा कि वो किस तरह अपने गरीब तबके को ऊपर उठाते हैं। और हाल ही में चाइना में देखा कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। ये वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात थे उन पे चल रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। हमारा जो खुदा है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों के वो खुदा हैं। और हमारे नबी सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए। इसका मतलब क्या कि जो भी इंसानी माशरा उनके अहकामात पे चलेगा अल्लाह की बरकत आएगी, वहां उस माशरे पे अल्लाह की नेमतें आएंगी। जब कुरान में अल्लाह कहता है कि नबी के रास्ते पे चलो तो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि जो मदीना की रियासत पे अल्लाह की नेमतें और बरकतें आई, देखते देखते एक रियासत, एक लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की, वर्ल्ड लीडर्स बने। सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया को लीडरशिप दी। तो वो क्या, जब आप नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले कि एक रियासत में रहम हो, एहसास हो अपने कमजोर चबके का, इंसानियत हो। तो उस रास्ते पे मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बड़ा फख्र है कि हम निकल चुके हैं। हम वो मुल्क हैं जो किसी भी दुनिया की डेवलपिंग वर्ल्ड, जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। हर हमने खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दी 10 लाख रुपए की। ये हमने अपने नबी की सुन्नत पे चल के कि एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं, जिस घराने में गुर्बत हो, उधर उनको सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई बीमार हो जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे फख्र है आज कि पाकिस्तान में वो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए हैं कि गरीब से गरीब आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज करवा सकता है, जिधर वो सोच भी नहीं सकता था पहले, तसव्वुर भी नहीं था। उसके अलावा हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना पैसा खर्च नहीं किया गया अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। हमारा राशन है वो हम शुरू कर रहे हैं 2 करोड़ खानदान के लिए।
ताकि उनको महंगाई के अंदर सहारा दिया जाए। हमारी नौजवानों, हमारा कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिधर 20 लाख खानदानों को हम 5 लाख रुपए एक फर्द को कर्जा दे रहे हैं सूद के बगैर, जिधर 20 लाख उसी खानदान को कर्जा दे रहे हैं सूद के बगैर घर बनाने का, और उसी खानदान को एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। ये पहली दफा हमारे मुल्क की तारीख में निचले तबके को ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है। और जब मेरे नौजवानों, हमारे पास टैक्स पे पैसा आया, हमारा टैक्स बढ़ा, तो सबसे पहले मैंने काम किया 250 अरब रुपए की हमने सब्सिडी देके पेट्रोल की कीमत बजाय 10 रुपए बढ़ाने की 10 रुपए कम की। फजल रहमान की कीमत बढ़ाने 10 रुपए कम की। और बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट कम की, 250 रुपए की हमने सब्सिडी दी। और मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे मैं पैसा इकट्ठा करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टैक्स का पैसा इकट्ठा करता जाऊंगा, वो सारा पैसा मैं अपनी कौम पे खर्च करूंगा, उनके लिए साझा पैदा करूंगा। माशाल्लाह, मेरी कौम का जुनून, इस जुनून को इंशाल्लाह हमने काबू करके पाकिस्तान को दुनिया की अजीम कौम बनाना इंशाल्लाह। सुनते रहे मेरे पाकिस्तानियों, मेरा जो किबला है, मेरा जो नजरिया है, वो मैं 25 साल से उस नजरिए पे खड़ा हूं। और मेरा ये ईमान है कि हमारा मुल्क सिर्फ तब तरक्की करेगा अगर वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले, उनकी सुन्नत पे चले। और उनकी सुन्नत थी मदीना की रियासत। तो सबसे पहले इंसानियत का निजाम जिसमें हमारे में रहम हो, हम बजाय अमीर को अमीर करते जाएं, हम अमीर से टैक्स इकट्ठा करके अपने गरीब लोगों को ऊपर उठाएं। और इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि जब हम 5 साल मुकम्मल करेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा कि कभी इस मुल्क की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से पाकिस्तान की गुर्बत कम नहीं की। दूसरा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत में उनका दूसरा हुक्म था, वो इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। उन्होंने कहा, मेरी कौम ये सुन लो, ये आज बड़ा जरूरी आपके लिए समझना है कि मैं इनको क्यों नहीं एनआरओ देता, क्योंकि मेरे नबी का फरमान था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देते थे, और जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको एनआरओ दे देते थे। ये मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं, ये सारी दुनिया में डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्कों की सबकी ये बदकिस्मती है। कोई भी गरीब मुल्क इसलिए गरीब नहीं कि उसमें वसाइल की कमी है, वो गरीब इसलिए होता है कि उसके ताकतवर डाकुओं को उनका कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं।
उनको वो नहीं पकड़ते, उनको एनआरओ देते हैं। वो बड़े डाकू जो पैसा चोरी करके, गरीब मुल्कों से चोरी करके, ऑफशोर अकाउंट्स, बड़े बड़े महलात लंदन में महलात, ये जो लेते हैं ये तबाह करते हैं मुल्क को। छोटा चोर मुल्क को तबाह नहीं करता, बड़ा डाकू मुल्क को तबाह करता है। जिस तरह के ये थ्री स्टूजेस, ये तीन चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हुए हैं, 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं ये, 30 साल से ये मिलके मुल्क, इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इनकी अरबों अरबों डॉलर्स, रुपए की नहीं, इनकी डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं। और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। ये सारा ड्रामा है। पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश है, जब मौका मिलता है हुकूमत को गिराने की सिर्फ एक वजह से कोशिश करते हैं कि जनाब हम कोई खास अल्लाह के मखलूक हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, इनको कोई खास ऐसी मखलूक है कि इनको सब कुछ माफ हो जाना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने जो इस कौम पे जुल्म किया, इनके प्रेशर में आके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उसने इस मुल्क के ऊपर जो जुर्म किया, इन चोरों को एनआरओ दिया, उसकी वजह से लूटमार हुई 10 साल। आज जो हम बोझ उठा रहे हैं, हम जो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जो हम बोझ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। तो ये तैयार हो जाए नौजवानों, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कानून की बालादस्ती कायम की थी, सुनो मेरे नौजवानों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, उनका मुकाम किधर, उनका मुकाम हमारे दिलों में, हमारे दीन में, हमारी तारीख में। वो खलीफा वक्त होते हैं और एक यहूदी का, यहूदी के साथ केस लगता है अदालत में, हजरत अली रजियल्लाह ताला अदालत में उस यहूदी के खिलाफ केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त केस हारता है क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही नहीं मानता। अब इससे क्या चीज सामने आती है, सबसे पहले कि खलीफा वक्त भी कानून के ऊपर नहीं होता। मुसलमानों का जो इंसाफ का निजाम था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और एक अकलियत माइनॉरिटी, उसको भी बराबर का शहरी, वो बराबर का शहरी था और उसको बराबर का इंसाफ, कोई फर्क नहीं किया गया इंसानों के अंदर। ये था मुसलमानों का इंसाफ। आज आप सोचे, दुनिया के अमीर तरीन मुल्क, डेवलप्ड मुल्कों में, आज आप सोचे कि क्या आज के दिन क्या कोई पाकिस्तान, कोई बाहर से वहां की कोई अकलियत हो, हमारी बाहर से लोग हो, क्या उनको उनके वजीर आजम के सामने इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज सोचे कि किसी तरह माइनॉरिटीज को दुनिया में चले जाएं, जो मुसलमानों के दौर में
मदीना की रियासत में जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन थी, जो उनके हकूक थे, आज आपको डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं मिलते। तो इसका मतलब क्या है कि रहमतुल आलमीन सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, इंसानियत को इकट्ठा करने आए थे, तकसीम नहीं करने आए थे, नफरतें नहीं पैदा करने आए थे। और इसलिए मैं पाकिस्तान को वो मुल्क समझता हूं कि हमने भी उधर पहुंचना है। हमारी अकलियतें बराबर के शहरी हैं, कानून के सामने वो बराबर हैं। हम वो मुल्क बनना चाहते हैं जो इंसानों को इकट्ठा करेगा। हम वो फॉरेन पॉलिसी लाना चाहते हैं जो किसी के साथ जंग में शरीक नहीं होगा, लेकिन अमन में हम सबको इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। हम वो मेरे पाकिस्तानियों, हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिधर एक कमजोर से कमजोर आदमी को पूरी तरह हमारा इंसाफ का निजाम इंसाफ दे। और फिर ख्वातीन, हमारी यहां ख्वातीन बैठी हैं, आपको पता होना चाहिए क्या मगरब में प्रोपेगेंडा होता है कि जी मुसलमानों के माशरे में औरतों को हकूक नहीं मिलते, मगरब के अंदर औरतों को विरासत के अंदर हिस्सा 100 साल पहले मिलना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं मिलता था। इस्लाम के अंदर कुरान और हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 1500 साल पहले तकरीबन उन्होंने हमें हमारी औरतों को हकूक दिए थे विरासत में। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन 70% औरतों को पाकिस्तान में विरासत में हकूक नहीं मिलते। इसलिए हम कानून लेके आए हैं, हमने अब कानून लेके आए हैं कि औरतों को रियासत उनकी विरासत के अंदर, उनकी इनहेरिटेंस के अंदर जबरदस्ती उनको पूरा उनका हक दिलवाएगी। गुलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत संभाली तो गुलामों के कोई हुकूक नहीं थे। उन्होंने गुलाम रखना है तो उसको एक घर के फर्द की तरह रखो। ये हमारा नौजवानों, हमारा ये था दीन। मुसलमानों के दौर में गुलाम बादशाह बन गए, हिंदुस्तान में गुलामों ने हुकूमत की, मिस्र में गुलामों ने हुकूमत की, क्योंकि नबी का फरमान था कि उनको एक घर के फर्द की तरह रखो। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बड़ा अफसोस होता है जो मैं मदीना की रियासत जिस तरफ हम सफर पर निकले हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम घर के मुलाजमों को उनको भी उसी तरह रखें, उनको भी अच्छा खाना दें, उनके भी हकूक रखें, वो भी इंसान है। ये हमारे नबी की सुन्नत है। पाकिस्तानियों सुनते जाओ, मैं आपको सफर बता रहा हूं कि आपका नजरिया क्या है, किस लिए ये मुल्क बना था, अलामा इकबाल की क्या ख्वाब थी। क्योंकि आज 200 मिलियन यानी 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में भी मुसलमान थे उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया था, क्योंकि वो ख्वाब थी, वो देखना चाहते थे कि मदीना की रियासत के तर्ज पे मुल्क खड़ा हो। अच्छा सुने, मैं अभी आखिर में आपसे जो मेन बात करने के लिए आप सबको बुलाया, मैं जरा आगे चलूं। जो हमारे मदीना की रियासत में अल्लाह ने हमारी कौम को क्या हुक्म दिया था, अमर बिन मारूफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक कौम के ऊपर लाजमी कर दिया कि आप जब भी आप देखें कि कोई बदी है, बुराई है,
कौम की जिम्मेदारी लगाई कि आप उस बदी और बुराई के खिलाफ जहाद करें, अच्छाई के साथ खड़े हों, क्योंकि ये कौम को जिंदा रखती है। पाकिस्तानियों, मैं जब आज से तकरीबन 20 साल पहले लंदन में था, इराक के ऊपर हमला करने लगा था अमेरिका और बरतानिया, 20 लाख लोग निकले बरतानिया में, 20 लाख लोग सड़कों पे निकले जंग के खिलाफ। अमर बिन मारूफ, इसको कहते हैं अमर बिन मारूफ, कि उनकी हुकूमत को फायदा भी होना था इराक जंग से, इराक में तेल भी था, लेकिन वो अच्छाई के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। इसको अमर बिन मारूफ कहते हैं, इसको जिंदा कौम कहते हैं। और मैं आज सबको देख के मुझे खुशी ये है कि मैंने जब आपको कॉल दी, ये जो लोगों के जमीरों का सौदा हो रहा है, एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है, पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए, तो मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तादाद में यहां आए और आपने बताया कि आप इस जुर्म में शरीक नहीं। मैंने जरा आपको बस जो मैं बात करने के लिए आखिर में ये जो साजिश है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं सिर्फ आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने फैसला किया कि हमारी हुकूमत को गिराना है, क्योंकि जी पाकिस्तान तबाह हो रहा है। तो नौजवान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानियों जो सुन रहे हो, मैं बड़ी जल्दी आपको बताना चाहता हूं और मैं आज दावा करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमने अपने 3.5 साल में दी है। आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने मेरी बात सुननी है, इसलिए तंग नहीं करना लोगों को, डिसिप्लिन रहना है। हाथ खड़ा करके बताओ जी। अच्छा जी, अब मैं बड़ी जल्दी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत ने क्या किया। डीजल की मैं बाद में बात करूंगा, अभी ठहर जाए। डीजल की कीमतें, शुक्र करें 10 रुपए कम किए डीजल की कीमत। अच्छा जी, पहले पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं, मैं अपने अल्लाह का शुक्र करता हूं कि 100 साल में सबसे बड़ा बुरहान दुनिया में आया कोरोना वायरस का। सारी दुनिया बंद हो गई, लॉकडाउन लग गए, गरीब सारी दुनिया में कुचले गए। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो बेचारा दिहाड़ीदार, टैक्सी वाला, रिक्शे वाला, वेल्डर, पेंटर, वो लोग जो दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। तो जब सारी दुनिया बंद की गई, मेरे पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मैंने जब अपने मुल्क को बंद नहीं किया, मुझे तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि ये इमरान तबाह कर रहा है पाकिस्तान को, सिंध की हुकूमत उन्होंने बंद कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस था दुनिया का,
मैं आज फखर से अपनी कौम के सामने खड़ा हूं और सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान ने कदम उठाए, सारी दुनिया तस्लीम करती है कि अपनी कौम को भी बचाया, कोरोना से बचाया, अपनी मायशत को बचाया, अपने गरीबों को बचाया। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक सारे बर्रे सगीर में आज जिधर सबसे कम बेरोजगारी है वो पाकिस्तान है, क्योंकि जो उस वक्त हमने कदम उठाए। और ये जो थ्री स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है, इन सारों ने मेरी तनकीद की और मैं अपने अल्लाह का शुक्र करता हूं कि उसने मेरे मुल्क को निकाला उसमें से। और मैं उस दौरान जब सारी दुनिया की मायशत तबाह हो रही थी, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 5.6% के ऊपर हमारी मायशत ने तरक्की की, जो सारे दंग रह गए, ऑपोजिशन दंग रह गई, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो हमने क्या किया उस दौरान जब दुनिया मुश्किल में थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की, हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, हमने अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनको इंसेंटिव्स दिए और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने डॉलर्स पाकिस्तान में भेजे, रिमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज जरा पूछें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों में कि जो हमने उनके लिए आसानियां पैदा की, आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1500 अरब रुपए का मजीद वेल्थ क्रिएशन हुई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 30 इंडस्ट्री चली, इसलिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी नहीं हुई जो सारी दुनिया में कोरोना की वजह से हुई। हमारा जो जरात थी, नौजवानों ये सुनते रहो, क्योंकि 60% पाकिस्तान जरात के ऊपर रहता है, देहात में रहता है। आज आप अपने किसानों से पूछो कि इस मुल्क में, इस मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जरात में गया, 5 फसलें पाकिस्तान की तारीख में सबसे रिकॉर्ड फसलें हुई, गंदम की फसल रिकॉर्ड, चावल की फसल रिकॉर्ड, मकई की फसल रिकॉर्ड, चावल की फसल रिकॉर्ड। और अभी ये आलू की फसल आई है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ गई है माशाल्लाह। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसानों की मदद की। हमें जो पहले शुगर मिल माफिया किसानों को पैसे नहीं देता था, पूरी तरह कटौती करता था, उनको देर तक, साल तक पैसे नहीं देता था, हमने किसानों के साथ खड़े हुए, हमने अपने किसानों को खड़ा किया, हमने उनको प्रोटेक्ट किया, हमने हुकूक दिलवाए, किसान को पैसा दिलवाया, उसने अपनी जमीन पे पैसा लगाया, जमीन में जब पैसा लगा तो पैदावार बढ़ी, पाकिस्तान का फायदा हुआ। तो मुझे बड़ा फख्र है अपने किसानों पे। और फिर नौजवानों, इंडस्ट्री, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है,
हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। नया पैकेज दिया हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले लोग बताएंगे कि पहली दफा एक हुकूमत अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरह अपनी इंडस्ट्रीज के साथ खड़ी है, ताकि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मुल्क में पैसा बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और जब टैक्स बढ़ेगा तो मैं अपनी कौम के ऊपर खर्च करूंगा, आसानियां पैदा करूंगा अपनी कौम की। फिर नौजवानों ये तैयार हो जाओ, पहली दफा पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए, जिनके पास कभी भी पैसा नहीं था अपना घर खरीदने के लिए, हमने पहली दफा पाकिस्तान के बैंकों के साथ मिलकर 30 अरब रुपया उनको सब्सिडी दी। आज पहली दफा बैंक कर्जे दे रहे हैं छोटे लोगों को, जो तनख्वाहदार लोग थे, जो बेचारे किराए के घरों में रहते थे, हमने बैंकों को पैसा दिया, बैंक कर्जे दे रहे हैं। जो आदमी या जो एक खानदान किराए के घर में रहता था, अब उसी किराए पे वो बैंक को किस्ते देगा और वो घर उसका अपना हो जाएगा, अपनी छत होगी। रोटी कपड़ा मकान का किसका नारा था, और मेरे अल्लाह का शुक्र है कि वो काम किससे ले रहा है। फिर तैयार हो जाओ। ये कहते हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, मुझे चैलेंज हो मैं इनको करता हूं कि आप बताएं कि आपने मुल्क के पानी, जो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है मुल्क का, शहरों के अंदर पानी नहीं है, लाहौर के अंदर पानी नीचे चला गया, कराची में टैंकर माफिया है, आज पिंडी में पानी कम है, क्या किया इन्होंने? मैं बताता हूं हमने क्या किया। पहली दफा 50 साल के बाद पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बन रही हैं। 50 साल के बाद मेरे पाकिस्तानियों, हमने डैम्स बनाई हैं, और इंशाल्लाह पेशावर के लोगों को तो अभी मैं खुशखबरी देता हूं कि 2025 में ममन डैम बनेगी, और ममन डैम से सारे पेशावर को पानी भी मिलेगा, बड़ा इलाका ज़राअत के लिए, किसानों के लिए ज़राअत में फसलें उगाने के लिए आ जाएगा, और बिजली भी बनेगी, और सबसे सस्ती बिजली बनेगी। उसके बाद बड़ी डैम दासू डैम बनेगी 2027 में, और नौजवानों खुशखबरी ये है कि 2028 में जो पाकिस्तान नहीं दुनिया के अंदर बड़ी डैम समझी जाती है, वो बादशाह डैम बनेगी 2028 में, टाइम पे चल रही है। इससे क्या होगा? इससे मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास दुगना पानी हो जाएगा रिजर्व्स में, हमारा पानी जो हमारी डैमों में दुगना होगा, इसका मतलब काश के लिए हमारे पास पानी दुगना हो जाएगा, इसका मतलब शहरों में हम पानी दे सकेंगे। ये जो पानी के मसले आ रहे हैं आगे, इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। जराबित मैं आपने असल जो मैं आखिर में बात कर रही है उसकी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने किया क्या है, तो मैं आज अपनी कौम को बताऊं हमने किया क्या है। मैं अपने मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं
कि जब आप शाम को अपने टीवी शोज करते हैं, मैं एंकर्स को कहता हूं, खुदा के वास्ते कोई मायशत के माहिरों को बुला लें और उनको बैठ के कम से कम मुआजरा करें कि पहले मुल्क से क्या होता था और हमने 3.5 साल में मुल्क के लिए क्या किया है। अब अगर मरियम बीबी जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया और कांपे टांगने वाले जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई, मैं लीडर बनना चाहता हूं। और आसिफ जरदारी उसको थोड़ा बड़ा होने देना था लीडर बनाने से पहले। कहता है, अच्छा वो कहता है कि मुझे अगर तुमने ये कुछ, हर रोज धमकियां देता है, अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं ये कर दूंगा। भाई बिलावल क्या करोगे? मैं रो पड़ूंगा। अच्छा जी, अब सुने, पहली दफा इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इस्लामाबाद के बाद पहली दफा शहर बन रहे हैं। क्यों बना रहे हैं हम शहर? हम इसलिए बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए, रावी को बचाने के लिए। रावी एक गंदा नाला बन चुका है। ये जो शहर है ये मॉडर्न सिटी बन रहा है, ये ऊपर जाएगा। इसके ऊपर 2 करोड़ दरख्त लगाएंगे इर्द गिर्द ताकि पोल्यूशन का मुकाबला करे वो शहर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे ताकि बजाय सारा सूरज का पानी रावी में जाए और वो नीचे सिंध तक जाए, हम ट्रीट करके साफ पानी दरिया में करें, दरिया को रिवाइव करें। ऊपर बैराज बनाएं ताकि लाहौर की वाटर टेबल ऊपर आए। और फिर से मैंने कहा, जब 2 करोड़ दरख्त लगेंगे तो आबो हवा साफ होगी, पोल्यूशन कम होगी। ये पहली दफा इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है। फिर हमने लाहौर का वॉल्टन एयरपोर्ट था, उसको चेंज करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया। ये आप देखेंगे कि दुबई की तरह लोग तो दुबई जाते हैं ना, अब वो लाहौर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाया करेंगे। एक मॉडर्न पूरा एक शहर के अंदर एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनेगी। और फिर शेख साहब, शेख रशीद साहब, आपके लिए खुशखबरी, नाला लई प्रोजेक्ट बन रहा है। रावलपिंडी को तब्दील करने के लिए, उसको एक मॉडर्न शहर बनाने के लिए नाला लई जो है उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, साफ पानी करेंगे। उसके साथ एक हाई राइजेस बनेंगी, एक मॉडर्न, बजाय के शहर फैलते जाए, जरई जमीन खत्म होती जाए, शहरों को अब हम रोकेंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सारे पेशावर के, सारे बड़े शहरों के, इनको ऊपर लेके जाएंगे, जरात की जमीन बचाएंगे और इनके सारी सीवरेज सिस्टम, पानी का मसला, बिजली, ये सारी हम इंशाल्लाह शहरों को मास्टर प्लान बना के लेके आ रहे हैं। ये कभी किसी गवर्नमेंट ने 30 सालों ये हुकूमत करते रहे, किसी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। जुनून आपका मैं मान गया हूं। अच्छा, सुन के जाए नहीं, डीजल बाद में। अच्छा सुने, मेरे पाकिस्तानी सुने, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि करप्ट हुकूमतों में मुल्क को नुकसान क्या होता है, और जब एक ईमानदार लोग हुकूमत करने आते हैं तो मुल्क को फायदा क्या होता है। अब सुने जरा, खामोशी से सुनना है, डीजल की बाद में बात करेंगे।
मेरे पाकिस्तानियों, आज से 11 साल पहले, ये गौर से सुननी आपने बात, आज से 11 साल पहले बलूचिस्तान के अंदर कोयले और तांबे की कानें थी रेकोडिक में, उधर पाकिस्तान को जो बाहर से ये माइनिंग कंपनी आई हुई थी उसने अदालत में लेगी पाकिस्तान को। और हमें चंद साल पहले, जरा गौर से सुनेंगे, 2000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ इंटरनेशनल अदालत में पाकिस्तान को, 2000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। आप ये सोचें कि सारे पख्तूनख्वा का जो डेवलपमेंट फंड है वो 200 अरब रुपया है, तो 2000 अरब रुपया पाकिस्तान को जो जुर्माना हुआ, ये मेरी हुकूमत है, इन दोनों की हुकूमतें आई और गई, कुछ नहीं कर सके। अगर वो जुर्माना हो जाता, उन्होंने जो हमारी बाहर असासे थे सब जब्त कर लेने थे। मुझे बड़े फख्र से, और मैं आज अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं, मेरी जबरदस्त टीम ने जाके 3 साल मुसलसल हमने निगोशिएशन की, और मैं आज फख्र से अपनी कौम के सामने खड़ा होकर कहता हूं कि हमने तो 2000 अरब का हर्जाना, वो जो जुर्माना भी खत्म किया, और उसी माइनिंग कंपनी को पाकिस्तान वापस लेके आए, और वो 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख की, मेरे पाकिस्तानियों, सबसे बड़ी बैरून मुल्क की इन्वेस्टमेंट 9 अरब डॉलर की हो रही है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान के लोगों, आज मैं आपके लिए इतना खुश हूं क्योंकि इसका ज्यादा पैसा आपके पास जाएगा, बलूचिस्तान पीछे रह गया है। मेरी पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान के लोगों को हम उठाएं, तो ये जो हमने मुआहदा किया है, सबसे ज्यादा पैसा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। उसके बाद जो हमारा मसला, जो हमारे रुपए पे प्रेशर रहता है, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हमारा रुपया भी आगे मजबूत होगा। हमें जो आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, हमेशा डॉलर कम हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये जब कानें काम करनी शुरू करेंगी सोने की और तांबे की, और ये आपको हैरत होगी पाकिस्तानियों, आपको अंदाजा नहीं है कितना अमीर मुल्क है, आपको अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने और काने की जो माइंस होंगी दुनिया में, जो रिजर्व्स होंगे गोल्ड और कॉपर के, वो पाकिस्तान में होंगे। माशाल्लाह आपका मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल रोशन है मेरे पाकिस्तानियों। अब दूसरा सुने, ये तो हो गई रेकोटेक, एक और हुआ था आपको याद होगा, एक रेंटल पावर्स पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बड़ी करप्शन हुई थी रेंटल पावर की, फिर पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में, 200 अरब रुपए का हमारे मुल्क को जुर्माना हुआ, 200 अरब रुपए का, तुर्की की कंपनी थी, पाकिस्तान को उसको 200 अरब रुपए देने थे। पाकिस्तानियों, मैंने सदर अर्दोगान से बात की और उसने बैठ के हमने वो 200 अरब रुपए का जुर्माना खत्म किया। जो ऊपर चढ़े हुए हो, मुझे पता है आपका जुनून
लेकिन मुझे डर है आप गिर ना पड़ो। अच्छा जी सुनते जाएं, मेरे पाकिस्तानियों सुनते जाएं, इन्होंने बस पिछली हुकूमतों ने सुने सुने सुने, मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक करप्शन से पाक जब गवर्नमेंट आती है तो कौम को कितना फायदा होता है। मैंने आपको दो चीजों की बता दी, हमने आके निगोशिएट किया, मुल्क को पैसा बचाया। अब तीसरी सुने, इन्होंने गैस के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए नून लीग वालों ने, और फिर दोनों ने आईपीपीज यानी जो बिजली बनाती हैं कंपनीज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हमारी हुकूमत ने उनके साथ रीनेगोशिएट किया, गैस के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, और ये फर्क होता है जब आप रिश्वत नहीं लेते, पैसे नहीं बनाते। आज पाकिस्तान को 10 साल में 700 अरब रुपए की बचत होगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन अब पाकिस्तानियों एक और सुन लो, ये चौथी चीज है। आपको पता है नवाज शरीफ खुद एनएचए का अपने नीचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने नीचे रखी हुई थी। मैं बताता हूं क्यों रखी हुई थी, अब ये जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों। 2013 और 2021 के बीच में सारी दुनिया में महंगाई हुई, सारी दुनिया में चीजें महंगी हुई। अब आप ये एनएचए की वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 2013 में फी किलोमीटर सड़क कितनी कीमत पे बनती थी और 2021 में सड़क फी किलोमीटर कितनी में बनेगी। अब सोचे ना, 2021 में जाहिर है ज्यादा महंगी हुई होगी क्योंकि महंगाई हो गई, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों आपको हैरत होगी कि नून लीग ने जो 2013 में सड़कें बनाई और जो हमने 2021 में सड़कें बनाई, और ये सारा रिकॉर्ड एनएचए की वेबसाइट पे है। तो जो 2021 में सड़क बनी वो 2013 की जो सड़क फी किलोमीटर बनी 23 करोड़ रुपया सस्ती बनी। मुराद सईद, आज मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, एनएचए इनके नीचे है। इसने जब मुराद ने मुझे शुरू में बताया तो मैं मानू ना कि ये कैसे हो गया, फिर मैंने इसकी बात नहीं मानी। फिर मुझे एक दोस्त मिलने आया, वो कहता मेरा एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझे कहता कि जी हमें 2021 के नहीं, हमें 2013 के रेट चाहिए। वो कहता, मैं बड़ा हैरान हो गया कि 2013 के रेट। पता चला कि 2013 में ये करप्शन की जो करप्शन जिन्होंने इस मुल्क में सबसे ज्यादा शुरू की नून लीग, 2013 में 23 करोड़ रुपया फी किलोमीटर इनकी सड़क ज्यादा महंगी थी। इसका मतलब हमने कैलकुलेट किया। अब पाकिस्तानियों ये सुनो कि चोरी किस तरह ये मुल्क लूटा गया है। हमने कैलकुलेट किया कि जिस रेट पे इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने 1000 अरब रुपए की चोरी की मुल्क से, 1000 अरब रुपए की। यानी कि एक ईमानदार हुकूमत ने 1000 अरब रुपया अपनी कौम का बचाया, जिसकी वजह से दुगनी सड़कें बनाई हैं हमने, इनसे दुगनी सड़कें बनाई हैं जो पैसा बचा। मैं आने लगा हूं, बस आखिरी बात जो मैं असल
जिसलिए आपको बुलाया था। तीस साल से आप हुकूमत में थे, कभी आपने सोचा अपनी आने वाली नस्लों का? यह पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज की बात की, जिसने पाकिस्तान में दरख्त उगाने की बात की, जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में 2013 और 18 के बीच में, और आज हम 10 अरब इंशाल्लाह अपने मुल्क में दरख्त उगा के अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह छोड़ के जाएंगे। इनकी तो इनको फुर्सत कैसे मिले, इनको तो सारी छुट्टियां, बच्चे सब कुछ लंदन में बैठे हैं, इनको तो पाकिस्तान की क्यों फिक्र हो, ये तो नस्लों के लिए लंदन के लिए तैयारी करवा रहे हैं, घर महलात खरीद रहे हैं। पाकिस्तानियों, जो दूसरी चीज मैं आज आपके सामने सबके सामने जो कहना चाहता हूं कि आपको अंदाजा नहीं कि हमारा मुल्क में अल्लाह ने किस किस्म की खूबसूरती और किस किस्म की नेमतें बख्शी हैं। या गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं खालिद, मैं इसके साथ मिलके मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूं कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। स्कर्दू को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, अब दुनिया से डायरेक्टली स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। स्कर्दू को इंशाल्लाह उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, मैंने ऑस्ट्रियन से बात की है, ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा स्कीइंग होती है, स्कर्दू को इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्कीइंग कैपिटल बनाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह बाहर से पैसा आता है। हमारे मुल्क में जिस तरह की खूबसूरती है, किसी में किसी ने सोचा ही नहीं टूरिज्म को डेवलप करने का। मैं आपको साबित करता हूं कि अगर ये, मुझे अफसोस है कि कोरोना की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि सारी दुनिया में टूरिज्म खत्म हो गई, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कोरोना खत्म हुई मैं अब आपको इस मुल्क में टूरिज्म से टूरिज्म उठा के दिखाऊंगा, मुल्क में पैसा ला के दिखाऊंगा और सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करूंगा। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जो जिस असल वजह से आपको यहां बुलाया था, अब मैं उस बातों पे आने लगा हूं। लेकिन नौजवान आप सामने खड़े हैं, ये आपने बड़ी खामोशी से सुनना है, ये मैं सीरियस बात करने लगा हूं। मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल की बात करने लगा हूं। मैं जो ये साजिश हुई है और ये जो हो रही है इसके ऊपर बात करने लगा हूं, तो मैं चाहता हूं कि बड़ा सीरियसली आप मेरी बात सुनेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, नौजवानों आप खुशकिस्मत हो, आपके तो मां बाप भी एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और मैं पहला, हम जनरेशन थी जो एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मेरे मां बाप ने
अपनी तौर पे तहरीके पाकिस्तान की जो आजादी की स्ट्रगल थी दोनों ने शिरकत की। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमेशा उन्होंने मुझे एक बात याद करवाई, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मेरे पाकिस्तान के रहने वाले, अगर आपने इस चीज को समझना है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें क्यों वो अपने मुल्क के लिए तरसते हैं, क्यों वो आज सारे तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब वो बाहर किसी पराए मुल्क में रोजी कमाने जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा कदर होती है कि अपने मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, एक आजाद मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो मैं जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी 25 साल पहले तो मैंने अपना नस्ब लैन अपनी जमात का नौजवानों या कना बदो या कनस्ताइन क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता। पाकिस्तान जब बन रहा था तो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये क्यों नारा था? ये नारा एक गैरतमंद कौम का था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ला इल्ला इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखना कि सारी दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है, बेगैरत आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। अरबों रुपए कमा लो, अरबों पति हो जाओ, जब तक अरबों रुपए अरबों पति, लेकिन जो इंसान के सामने झुकता है कोई इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं आज आपके दिल की बातें कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिक्स में आने की कई वजूहत थी। एक के मुझे पता था, मैंने सारी दुनिया में देखा कि जिस जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कुरान में कि नबी की सुन्नत पे चलो तो नबी की सुन्नत पे तो वो गैर चल रहे हैं, मगरबी लोग चल रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं। और मुसलमानों का हाल देखो, इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा क्या लिखा था कि हम एक वक्त उरूज पे थे, शिकवा किया कि अल्लाह हम जमीन पे कैसे आ गए, फिर जवाब शिकवा में बताया कि जब आप उरूज पे थे तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते थे, अब आप वो अहकामात से बहुत दूर चले गए हैं, अब पैसे की पूजा करते हैं, आप सुपर पावर्स के सामने सजदे करते हैं, आप फॉरेन एड लेके और अपने मुल्क में बमबारी करवाते हैं, ड्रोन अटैक्स करवाते हैं, कैसे अल्लाह कि बरकत उन लोगों के ऊपर आए? अल्लाह ने तो बड़ा वाज़े कह दिया है कि अगर तुमने एक अजीम कौम बने हैं तो मेरे हबीब के रास्ते पे चलो, जो कि रियासत मदीना था। तो पाकिस्तानियों, मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था,
और मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो हमारी हमारे खिलाड़ी होते थे उनको बड़ा एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की, तो हम जब मैच में जाते थे पहले से ही हमारी टीम हारी हुई होती थी कि जी हम अंग्रेज को तो हरा ही नहीं सकते, पहले से हार माने हुए होते थे। और जब हमने जीतना शुरू किया हमारी टीमें इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी, टीमें हमारी 70 की दिहाई में ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता क्योंकि हमने हमारे अंदर इत्माद आ गया, हमारे अंदर जो एहसास से कमतरी थी अंग्रेजों की वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता, इस इत्माद की वजह से हम ऊपर आए। तो मैंने जब अपने मुल्क को देखा, हमारे मुल्क में मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़ेओं को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था, अमरीकों ने कहा हमें दो 90 की दिहाई में, हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ, अदालत में वो जाता है रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा किसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है किसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होके कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे ये कभी नहीं भूलता, मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है लेकिन जो इसके लीडर है वो बेगैरत है, जो मुल्क के लीडर सरबरा अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता है, याद रखे वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं, भीख मांगने वाली और कर्जे मांगने वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। तो मैं जब पाकिस्तान में मैंने सियासत शुरू की मैंने तब एक बात कही थी कि क्योंकि मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका और मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। मेरी कौम का बड़ा स्टेमिना है, अच्छा ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए, तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा सोच तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुना है, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों
धमकियां मिलती रहीं, हमारे सुनते रहे हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रहीं। ये सुने अगला, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं, समझ गए, अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी, उसने मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान और भगौड़ू नवाज शरीफ इनकी सुनते रहे, सुने 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 सुने, अभी मैं अभी आता हूं कि इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। गौर से सुने एक एक बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज आज क्या हुआ, आज आज आ रही आवाज, स्पीकर से लोगों को उतार दीजिए प्लीज, कौन सा की स्पीच से लीजिए। देखिए ये सबसे अहम चीज मैं कह रहा हूं तो स्पीकर से उतरें क्योंकि लोगों ने सुनना है। अच्छा आवाज आ रही है, जल्दी इसको ठीक करें। स्पीकर से उतरो, उन्हें आवाज नहीं आ रही। अच्छा सुने, मुझे लगता है आपको बाद में बताना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा है। अच्छा जी, आज आज अच्छा स्पीकर से दूर है ना, ये बड़ी अहम तकरीब मैंने कर रही है। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी, सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही है, दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी को भुलाकर इसके कातलों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। यानी
शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। शर्म करो, शर्म करो। अच्छा, आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात के सामने रख दिया गया है। हमारे अब ये सुने, हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसको मरोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है इस साजिश का। अब सुने, ये शाह महमूद उधर उतारो, उधर आवाज नहीं आई। हाँ, शाह महमूद को पता है कि इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है कि ये साजिश हो रही है, महीनों से। ये जो आज सब इकट्ठे हो गए हैं, ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों की भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। लेकिन आज वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। अब सुने, वक्त कैसे बदल गया है पाकिस्तानियों। एक अंग्रेजी में सेइंग है कि यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, मतलब कि जब आप दरिया पार कर रहे होते हो तो वो दरिया नहीं रहता, वो पानी निकल जाता है, वक्त निकल जाता है। ये नया टाइम आ चुका है और ये है सोशल मीडिया का जमाना। कोई चीज नहीं छुपती। तो पाकिस्तानी कौम बेदार है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और वो मैं अभी आगे बताता हूं। पाकिस्तानी कौम ने, नौजवानों, पाकिस्तानी कौम ने
कि वो बाहर के अरबों रुपए लेके हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। मैं यही इसलिए आपको आज बुलाया था मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको बुलाया इसलिए था, जो जो एक डेमोक्रेट होता है वो आवाम के पास जाता है, वो किसी के पास छुपता नहीं, हाथ नहीं फैलाता, अपनी आवाम के पास जाता है। आप हेलो आ रही आवाज फिर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, आवाज आनी चाहिए। हेलो हाँ शाबाश, और उसको स्पीकर को सही रखें क्योंकि आवाज नहीं आती। अच्छा जी, हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें मिलता है, लेकिन लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। शाह महमूद ने अभी आपसे कोई बात की थी, हमें कहा है कि मुल्की मफाद, हमें धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों हम मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं, आपके सामने मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है, और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे, धमकियां मिल रही हैं। रहा हूं आज सबके सामने, आज दिल खोल के बात कर रहा हूं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तैयार है ना सब? कौम, मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है।
फिर से ये जो गोल बॉल गोंगलू किस किस से मिलता है लंदन में बैठा हुआ और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं, पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं, आपको अंदाजा है किसके कहने पे चल रहे हैं? हमारे पास जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं, जो हमारे पास सबूत है मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हम मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए, मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसलिए मैंने आपसे पूरी बात नहीं की, नहीं तो मैं वो बता भी सकता था, मुझे किसका डर है, मैं तो एक पाकिस्तानी हूं आपके सामने, वो इंसान हूं जिसको मेरा अल्लाह सब कुछ दे चुका है, मुझे तो कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। मैं तो जब सियासत में आया था अल्लाह ने तभी मुझे सब कुछ दे दिया था, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहता हूं, अपने घर के पैसे देता हूं, खर्चा बर्दाश्त करता हूं, कोई मेरा कैंप ऑफिस नहीं है। मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने अपनी कौम का पैसा इतना कम खर्च नहीं किया जो मैंने किया है। मेरे पाकिस्तानियों एक चीज याद रखना, आप एक अजीम कौम है, अगर हम उस अजमत पे नहीं पहुंच सके बहुत बड़ी वजह उसकी ये चोर हुक्मरान जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है। 90 की दिहाई की मैं बात कर रहा हूं, मैं 70 की दिहाई में और 80 की दिहाई में हिंदुस्तान जब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था तो लगता था एक गरीब मुल्क से एक खुशहाल और अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में जब ये दो करप्ट खानदान इस मुल्क के ऊपर हावी हुए हैं, हर चीज में हम पीछे रह गए, सारे बड़े शरीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया, 90 तक हम हिंदुस्तान से आगे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे थे, यहां खुशहाली ज्यादा थी गुर्बत कम थी, बांग्लादेश से हम इतना आगे थे कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश भी एक दिन हमारे से आगे निकल जाएगा। इन दो चोरों ने जब से मुल्क का खून चूस के मुल्क का पैसा बाहर ले जाना शुरू किया हम पीछे रह गए, और मैं 25 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूं, 14 साल अकेला इनका मुकाबला किया है, लोग तो बाद में मेरे पास आए हैं, और मैं कभी भी कोई भी जाती मुफादात के लिए इतनी देर जंग नहीं लड़ता, और उस आदमी को जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, जितनी देर मैं वजीर आजम बनाऊं इससे कम अरसे में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बना था 18 फैक्ट्रियां बना चुका था, सरकारी बैंकों से पैसा लिया फैक्ट्रियां बताई, सरकारी बैंक से कर्जे माफ करवाए, इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको डाका कहते मुल्क के ऊपर।
वही जरदारी, उसके पास क्या था? आज शुगर मिल्स, अरबों अरबपति है, मुल्क मुकरूज करके अरबपति। तो मेरा इनसे कोई जाति लड़ाई नहीं है, मैं वो पाकिस्तानी हूं। जब मैं 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की पाकिस्तान के लिए, तो हम वो कमजोर टीम समझे जाते थे, हमारा कोई हैसियत नहीं था दुनिया में। और मुझे ये फख्र है कि मैं वो कप्तान बना जिसने पाकिस्तान को हर दुनिया के मुल्क में जिताया और वर्ल्ड कप जिताया। और मुझे फख्र था कि हमने अपनी मुल्क को ऊपर ला के देखा। जो हमारे पाकिस्तानी थे उनको फख्र होता था टीम के ऊपर, हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तानियों ये सुनो जरा, नौजवानों ये सुनो, 24 मैच में मैं वनडे क्रिकेट में मैं कैप्टन था हिंदुस्तान के साथ, 24 मैच 19 जीता था। और वाहिद कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में जाके उनके एम्पायरों के बावजूद वहां से जीत के आया। कहने की ये बात है कि मुझे फख्र होता था कि मैं मुल्क का सर ऊपर करता हूं, मैं अपने मुल्क को लीड करता था। जब हमारी टीम जीतती थी सारे मुल्क में लोगों को फख्र होता था। तो मुझे इसलिए तकलीफ थी कि इस तरह के लोग मुल्क के ऊपर आए, मुल्क को लूटा। और जो जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा जुल्म किया इस कौम पे, मार्शल लॉ से ज्यादा जुल्म किया, कि इन दो डाकुओं को एनआरओ दे दिया, इनके सारी चोरी माफ कर दी, अपने इख्तदार के लिए घुटने टेक दिए इनके सामने, और इन्होंने आके 10 साल में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। 10 साल ये लूटते रहे। और जब मेरी हुकूमत आई पहले दिन से इन्होंने मेरे पर, हाँ पहले दिन से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि इमरान खान अगर तुमने हुकूमत चलानी है तो हमारी चोरी और डाके माफ करने पड़ेंगे, एनआरओ देना पड़ेगा। अब सारी कौम, मेरी सारी कौम देखेगी जब वोटिंग होगी, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वोटिंग होगी मेरी कौम सब देखेगी। एक एक आदमी को आप देखना जो वह वोट डालने जा रहेगा हमारी तरफ से। मैं आज उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये ना करना, ये आप ना करना, इस कौम ने कभी आपको माफ नहीं करना। आप जितना मर्जी कहें, आप जितना मर्जी कहेंगे कि जी वो देखे ना हमारे से हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, देखें जी उन्होंने मेरे काम नहीं किए, देखें जी वो महंगाई नहीं रोकी गई। आपके पास जो रास्ता था वो एक ही है, जमहूरियत में एक रास्ता है, रिजाइन करो। अगर आपको हुकूमत नहीं पसंद आ रही तो रिजाइन करो। लेकिन 25 करोड़ रुपए सामने रख के और कहना कि जी तब आपका जमीर जाग जाए, वो कौम नहीं मानने लगी, कौम आपको माफ नहीं करेगी, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया का जमाना है, हमेशा जब वो जमीर फरोश को प्रेस करेंगे तो आपकी शक्लें आ जाएंगी सामने। और आज मैं अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमएनएस को भी आज पैगाम देना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि आपने तो सारा वक्त कहा था कि नून लीग वालों के जरदारी का पेट फाड़ के चोरी का पैसा निकालना था आपने,
तो जब से वो इकट्ठे हुए हैं चेरी ब्लॉसम और जरदारी, जब से ये इकट्ठे हुए हैं, जब से ये इकट्ठे हुए हैं तो इनको भूल गया है, इनको भूल गया है कि जरदारी चोर था। इसका मतलब कि वो सिर्फ चोर बुरा तब तक है जब तक आपके साथ नहीं है। इसका मतलब चोरी बुरी नहीं है, इसका मतलब चोरी बुरी चीज नहीं है, यानी कोई भी। इसलिए तो मैं पाकिस्तानी हूं, इसलिए मैंने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि नबी की सीरत क्या है, नबी का पैगाम क्या था। दुनिया का सबसे अजीम इंसान बना, दुनिया का सबसे अजीम लीडर वो बने, उनका रास्ता क्या था। इसलिए हमने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल जाए, अच्छे बुरे की तबीज उसमें आ जाए, वो हक के ऊपर खड़ा हो, वो बदी के खिलाफ खड़ा हो। वो ये ना कहे कि चोरी सिर्फ बुरी तब है जब मेरी ऑपोजिशन चोरी करती है, वो मेरे साथ मिल जाए तो चोरी ठीक है। और पीपल्स पार्टी वाले आप बताओ, 20 साल आप अपने लोगों को बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़े डाकू कोई नहीं, तो आप इकट्ठे हो गए हो। और बिलावल जो तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो नाना के ऊपर, ये तो नाना के कातिल हैं जिनके साथ बैठ गए हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग वापस नहीं आएंगे सिर्फ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के एमएनए, जिनको पता है कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है मुल्क के खिलाफ, उनके भी जमीर जाग जाएंगे। अल्लाह कहता है कुरान में, मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पे लगा सकता हूं, कोई भी सीधे रास्ते पे लग सकता है। तो मैं इन सारे पार्टीज के, नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान, वैसे फजल रहमान मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई, आप तो आपकी तो पॉलिटिक्स ही दीन के ऊपर है, आपकी पॉलिटिक्स दीन के ऊपर है। और कौन अल्लाह किसको, अल्लाह वो किसको सादत बख्शता है कि यूनाइटेड नेशंस में जाके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो और उसकी शान में जो गुस्ताखी होती है, किसको अल्लाह वो इतना बड़ा इनाम बख्शता है कि वो जाके यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाता है और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन बनाया जाता है। फजल रहमान आपको तो अल्लाह ने नहीं ये इज्जत बख्शी, और उसकी वजह है, और उसकी वजह है स्पीकर, हाँ उसकी वजह है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं जाती मफादात के लिए, इसलिए अल्लाह वो आपको इज्जत नहीं देता। अल्लाह नीयतों के राज जानता है, अल्लाह जानता है दिलों के राज। फजल रहमान जितने मर्जी इस्लाम की बात करो, अल्लाह ने आपको आज तक कभी वो एजाज नहीं दिया कि आपने दुनिया में कुछ भी इस्लाम के लिए किया। मेरी तरह के आदमी को, गुनाहगार आदमी को अल्लाह ने वो एजाज दिया है। मैं अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र अदा करता हूं। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अब अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, मुझे पता है आप जाना नहीं चाहते, मुझे पता है, लेकिन मैं तकरीर सिर्फ एक चीज पे खत्म करता हूं। आपने सबने मेरे से एक वादा करना है, एक वादा करना है कि आप मेरी कौम कभी,
आप कभी इजाजत नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को कि मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दो। हाँ बताए बताए, कभी इजाजत ना देना, कभी आपने इजाजत नहीं देनी किसी हुक्मरान को वो किया जो हमने हमारे पाकिस्तान में अमेरिका की जंग लड़के किया, उसमें शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दिलवाई, हमारे कबाली इलाके को बर्बाद करवा दिया, कबाली इलाके के लोगों के जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़कात लेने वाले देने वाले ज़कात लेने वाले बंद गए, 35 लाख लोगों को नकल मकानी करवाई, कभी मेरी कौम किसी हुक्मरान को आपने इजाजत नहीं देनी कि हमारे मुल्क के मफादात के खिलाफ हमारे लोगों के हकूक के खिलाफ कोई भी हुक्मरान जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।